जाने, कितने लोग मुझे जानेंगे, जितने ज्यादा लोग मुझे जानेंगे उतना ज्यादा मेरे लिए अच्छा होगा। लोग ऐसा समझते हैं, फेमस होना चाहते हैं, प्रसिद्ध होना चाहते हैं, अपना नाम चाहते हैं, न्यूज़पेपर में मेरा नाम आए, मैगजीन्स में मेरा नाम आए, फोटो छपे, टीवी चैनल्स के ऊपर मेरा नाम आए। मैंने इतना सोचता है, इतना विचार करता है अपनी प्रसिद्धि के लिए, लोग प्रशंसा करें, मतलब अपनी ये जो ख्याति और प्रशंसा की जितनी भी चर्चाएं हैं, ये सारी की सारी चर्चाएं दूसरे से चाहता है। हम कह रहे हैं जो चीज आप दूसरे से चाहते हो, एक बार आप अपने आप को देख लो, आपसे ज्यादा आपकी प्रसिद्धि कौन चाहेगा। अच्छा मैं ये कहता हूँ, चलो आप तो प्रसिद्धि चाह रहे हो, आपके दिमाग में दूसरे प्रसिद्ध लोगों की कितनी महिमा है, बोलो। हाँ ठीक है, होंगे, अरे साहब बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हाँ तो होंगे तो साहब, क्या करें, तो ये तो बहुत बड़े इंजीनियर हैं, हाँ तो होंगे, हम क्या करें, आपको पता है साहब ये कितने बड़े आदमी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, तो अपन क्या करें, तो उनका होंगे, अपने घर में होंगे। माने मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया की प्रसिद्धि या दुनिया में बड़े बड़े लोगों को दूर से देख करके हम भले ही कुछ दो शब्द उनके बारे में कह दें, लेकिन सच में उनकी प्रसिद्धि से हमारा रंच मात्र भी भला नहीं होता। इसी तरह से उल्टा लगाइए, दूसरे लोग मेरी प्रशंसा करेंगे मान लो, तो मेरा क्या भला हो जाएगा, चाहता ही नहीं है कोई किसी को दुनिया में। मैंने आप ये सोचें कि ये मेरी प्रसिद्धि चाहता है, ये मुझे आगे बढ़ाना चाहता है, ये गुरु ऐसे हैं जो मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं, नहीं है, तब आत्मा ही आत्मा का गुरु है। इतना सुंदर श्लोक दे दिया है ना, आत्मन है गुरु अस्ति, आत्मा एव आत्मन है गुरु अस्ति, आत्मा एव आत्मा ही आत्मन है, अपना अपने आत्मा का गुरु अस्ति, गुरु है, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। टीका पेज नंबर 86 पर देखिए, जो शिष्य निरंतर कल्याण की अभिलाषा करता है और इसलिए उसके उपाय का जिज्ञासु है, शिष्य की बात कर रहे हैं और उस शिष्य को समाधान करना चाह रहे हैं, सर्वप्रथम तो वही शिष्य स्वयं को गुरु मानेगा जो मोक्ष सुख की अभिलाषा करता हो और उसके उपाय की जिज्ञासा रखता हो, उसको आत्मा गुरु वह उपाय बताता है और उस उपाय में नहीं प्रवर्तता उसे उसमें प्रवर्ताता है, वह गुरु वास्तव में प्रसिद्ध है, ऐसा होने से आत्मा गुरु आत्मा ही हो सकता है, आत्मा ही आत्मा का गुरु हो सकता है, वही उपाय में प्रवर्तता है, वही गुरु वास्तव में प्रसिद्ध है। कौन सा गुरु, अपना ही आत्मा, वही अपने लिए गुरु है। तो जितना इसके बारे में चिंतन करोगे ना, उतनी बात ख्याल में आएगी कि स्वयं स्वयं का गुरु कैसे हो सकता है, स्वयं को ही स्वयं का रास्ता मिलेगा, बाहर में तो कहीं रास्ता है भी नहीं, अपने अंदर में अपना रास्ता है, मुक्ति का रास्ता कहाँ से जाएगा, बोलो। पंडित जी एक मिनट, किसी के यहाँ से बच्चे की आवाज आ रही है तो प्लीज आपका फोन म्यूट कर दीजिए। ठीक, देखिए यहाँ कह रहे हैं, ये हो गई टीका की ये पंक्तियाँ, आत्मा ही आत्मा का गुरु हो सकता है ना। आगे कहते हैं, शिष्य पूछता है किस प्रकार, मानी जो आत्मा को आत्मा का गुरु कहा गया है वो किस प्रकार है, वो आत्मा आत्मा गुरु ये समझना भी तो पड़ेगा ना, कहने से थोड़ी ना बात चलेगी, हमने कह दिया और आपने मान लिया कि आप खुद ही खुद का गुरु है, स्वयं ही करो आपको जो कुछ भी करना होगा, स्वयं ही रास्ता खोजो, स्वयं ही तलाशो, बिल्कुल ऐसे एक प्राचीन भजन भी आता है इस तरह का, आपने कभी सुना होगा कि योगी असल बनावे, आप बनावे आप ही खावे, खावत ना ही अगावे, सुनी नहीं इस प्रकार की पंक्ति आपने, एक योगी असल बनावे, एक योगी स्वयं का भोजन बनाता है, स्वयं बनाता है, स्वयं ही खाता है, स्वयं के साधनों से बनाता है,
बाहरी साधनों की चर्चा नहीं है, अपने उपयोग के माध्यम से अपने अंतरंग अतिंद्रिय आनंद का जो स्वाद लेता है और वो स्वाद निरावाद रूप से, उसमें कोई बाधक नहीं होता। लेकिन एक किस प्रकार से वो गुरु होगा, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। तो टीकाकार आशा दर्जी पंडित जी वो उस बात को समझाते हुए कहते हैं, स्वयं माने आत्मा से मोक्ष सुख का अभिलाषी, स्वयं मतलब आत्मा, आत्मा आत्मा से मोक्ष सुख का अभिलाषी, आत्मा में सत अर्थात प्रशस्त मोक्ष सुख की निरंतर अभिलाषा करता है। क्या कहा? आत्मा ही अभिलाषा कर रहा है। किसकी अभिलाषा कर रहा है? मोक्ष सुख की अभिलाषा कर रहा है। स्वयं स्वयं के मोक्ष सुख की अभिलाषा कर रहा है, अर्थात मुझे मोक्ष सुख प्राप्त हो ऐसे भाव से आकांक्षा करता है। कौन कर रहा है ये इच्छा? मुझे मोक्ष सुख की प्राप्ति होवे, मैं स्वयं। अच्छा, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करना है, ये सर्वाधिक इच्छा किसकी हो सकती है? कौन चाहेगा सबसे ज्यादा कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति होवे? सब मुझे की जगह सब अपना अपना नाम लगा करके देखें। कुशल जी भाई साहब, नवीन जी साहब, मैं ऐसा कहूं कि संजीव गोधा को मोक्ष चाहिए तो कोई कौन देगा मुझे मोक्ष? किसको होगी ऐसी इच्छा? स्वयं मोक्ष सुख का अभिलाषी अर्थात आत्मा में सत अर्थात प्रशस्त मोक्ष सुख निरंतर अभिलाषा करता है, माने मुझे मोक्ष सुख प्राप्त हो ऐसी भावना से आकांक्षा करता है, तथा अभिष्ट अर्थात आत्मा द्वारा जिज्ञासित मोक्ष सुख के उपाय के जिज्ञासु आत्मा को आत्म विषय संबंधी बताने वाला होने से, मुझे आत्मा के बारे में कौन बतलाएगा कि नहीं, यह मोक्ष सुख का उपाय मुझे सेवन करने योग्य है, ऐसा बोध करता होने से तथा स्वयं मोक्ष सुख के उपाय में स्वयं को प्रयुक्त करता होने से इस सुदुर्लभ मोक्ष सुख के उपाय में हे महात्मा तू स्वयं आज तक नहीं प्रवर्तता, इस प्रकार वहां अप्रवक्त आत्मा को प्रवर्ताने वाला होने से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष वाक्य तो यही है, इसमें और कोई खास बात नहीं कही गई है, बस इतना ही है कि मुझे अपने आत्म कल्याण के लिए किसी और गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। आजकल बहुत चलता है इस तरह का, इनको गुरु बना लो, उनको गुरु बना लो, कोई ना कोई गुरु तो होना ही चाहिए। आपका कौन गुरु है? योग्य गुरु नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? बहुत सारे लोग तो आजकल ऑथेंटिक रजिस्टर्ड गुरु भी बनाने लगे हैं अपने, जिनके बिल्कुल रजिस्टर्ड इतने गुरु इतने शिष्य हैं, गुरु लोग भी अपने शिष्य बनाने लगे और शिष्यों को भी ऐसे लगता है कि हमारे कोई ना कोई पर्टिकुलर गुरु होने चाहिए। उन सबको ये 34 नंबर का श्लोक यहाँ पूज्यपाद स्वामी का इष्टोपदेश का पढ़ना चाहिए, जिसमें इन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया आत्मा ही आत्मा का गुरु है, कोई और गुरु नहीं है। तो ये जगत में किसी और की शरण लेने की जरूरत नहीं है, स्वयं ही स्वयं का ऐसा गुरु है कि यदि स्वयं की शरण में जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ये सोचते हैं हम दूसरे की शरण में जाकर ये ज्ञान प्राप्त करूंगा। अच्छा, गुरु क्यों चाहते हो आप? कोई भी व्यक्ति जो ये कहे कि हमें किसी योग्य गुरु की तलाश है, आप उससे पूछिए आप गुरु क्यों चाहते हैं, किस लिए चाहिए? ये सब ज्ञान मिलेगा, सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, उनसे पढ़ेंगे, सीखेंगे, इसलिए तो चाहिए ना आपको गुरु। यहाँ कह रहे हैं तुम यदि आत्मा की शरण में जाओगे तो इतना सीख जाओगे, इतना समझ जाओगे, लोकालोक के पदार्थ तुम्हारे ज्ञान में झलकने लगेंगे। अब बोलो, इससे ज्यादा सीखने का चांस आपको दुनिया के किसी गुरु की शरण में नहीं मिल सकता। मैं कहता हूँ जनवाणी माँ की शरण में भी चला जाए तो भी लोकालोक के पदार्थ उनके में स्पष्ट झलकने लगे, इतना ज्ञान नहीं हो सकता। मतलब संपूर्ण लोकालोक ज्ञान विषय बने, ऐसा कौन गुरु है जिसकी शरण में जाने से ये सब होगा? तो कहा आत्मा ही गुरु है, उनकी शरण में जाए तो लोकालोक झलकने लग जाए।
शिवभूति मुनिराज का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है हमारे सामने। बोलो कितना ज्ञान था उनको, तो समास भिन्नम, इतना सा भी ज्ञान नहीं था। फिर क्या हुआ साहब, थोड़े दिनों बाद में दाल धोते हुए देखा, उसके बाद में क्या हुआ, अरे जब भेद विज्ञान का अभ्यास किया, उन्होंने अपने आप को जाना, अपने स्वरूप को पहचाना, और बाहर में जो गुरु थे आचार्य थे उनका साथ छोड़कर स्वयं अपने आत्म गुरु का जब उन्होंने अवलंबन लिया, तब ऐसा काम हो गया कि श्रेणी चढ़ने लगे, और अल्प काल में श्रेणी चढ़ते हुए द्वादशांग के ज्ञाता हो गए। क्या द्वादशांग का ज्ञान हो गया उनको? बोलो कैसे हो गया द्वादशांग का ज्ञान? श्रेणी चढ़ते हुए द्वादशांग का ज्ञान हो गया, और थोड़ा काल और अधिक व्यतीत हो गए तो फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बोलो, लगता है आपको ऐसा? कैसा उपाय बताया है भाई, सोच भी नहीं सकते थे हम तो, ऐसा इतने विशिष्ट गुरु हो सकते हैं हम अपने आप के, कौन सिखाएगा बताओ हमारे को, हमारे लिए शिक्षक कौन है, सबसे बड़ा शिक्षक कौन हो सकता है हमारे लिए? कौन शिक्षक? आत्मा, अंदर की आवाज जिसको कहते हैं ना, वो क्या चीज है बतलाओ? कोई भी अपराधी व्यक्ति को अपराध करने के समय सावधान करने वाला और जागृत करने वाला गुरु कौन है? स्वयं गुरु है, आत्म गुरु है। कौन गुरु सिखाएगा बताओ? कोई व्यक्ति के एकदम किसी चीज को देखकर एकांत में था और कहीं किसी जगह पर, और उसको कोई चीज दिखाई दी और उसके मन में भाव गया कि कोई नहीं देख रहा है, इस चीज को भी अच्छी लग रही है, मैं इसको उठा करके अपने पास रख लूं। बोलो, चोरी करने का भाव आ गया, चोर को नहीं शरीफ व्यक्ति को। अरे चोर नहीं, ये जितनी जगह ताले लगा करके रखते हैं ना अपने घरों में, ये ताले चोरों के लिए नहीं लगाते, ये ताले शरीफों के लिए लगाते हैं। घर के बाहर खुला सामान इसलिए नहीं रखते कि कोई चोर ले जाएगा, चोर नहीं ले जाएगा, किसी शरीफ व्यक्ति को वो खुला हुआ सामान देख करके नियत में बिगड़ जाए। समझ में आ रही है बात? अब शरीफ व्यक्ति की जो नियत बिगड़ गई है, उसको लेने का भाव आया और उसने उस उठा करके उस वस्तु को ले लिया। नियम से कोई भी पाप करते समय अंदर से आत्मा, अंदर की आवाज, अंदर की ध्वनि, अपना जो मन है, अंतर मन, वो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों के अंदर कह देता है, नहीं ये काम करने योग्य नहीं है। अंदर से आवाज आती है ऐसी, जो लोग उस आवाज को सुन लेते हैं बच जाते हैं उस पाप से, और जो उस गुरु की आवाज नहीं सुनते वो चोरी करने लगते हैं, अपराधी हो जाते हैं, हत्यारे हो जाते हैं, बेईमान हो जाते हैं। कोई भी गलत काम करने के पहले, कोई भी गलत काम करने के पहले आपको सही समय पर, सही जगह पर, सही मौके पर टोकने वाला, रोकने वाला यदि कोई गुरु मिलेगा तो वो गुरु है आत्म गुरु, सही गलत की पहचान कराने वाला। देखो आप बाहर में गुरु को तलाशो, अरे साहब ये गुरु तो अपन तो ऐसे गुरु मिल गए हैं मुझे कि जिन गुरु की शरण में यदि मैं जाऊंगा कभी भी, आधी रात ऐसे गुरु मिल गए हैं जिन्होंने मेरे को बिल्कुल फ्री छूट दे रखी है कि तुम तो है ना, आधी रात को भी कोई शंका हो तो मेरे पास में फोन कर लिया करो, मैं तुम्हारे को समाधान बता दूंगा। अब बोलो आप वो गुरु कहाँ कहाँ काम आएंगे? और दुनिया में ऐसे कोई गुरु हो तो चोरी करने के पहले कोई व्यक्ति उन गुरु से जाकर के पूछेगा, गुरु जी चोरी करने का भाव आया है, कर लूं क्या?
बताओ मेरे को, कोई कोई व्यक्ति मन में आए हुए पाप भाव को किसी गुरु के सामने व्यक्त करता है क्या, और पूछने के लिए, परमिशन के लिए? कोई नहीं करता दुनिया में। बोलो क्या गजब सोच रही है वास्तव में। आत्म गुरु, आत्मा एव आत्मन है गुरु, आत्मा एव आत्मन है गुरु, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। मैं ही मेरा गुरु हूं, मैं ही मेरे लिए शरण भूत हूं। वाओ, मैं तो आज तक ये समझ रहा था उनकी शरण में जाओ, था उनको गुरु बना लो। सच में कोई नहीं, कोई गुरु होना चाहिए उनके निर्देशन में। कोई भी अपनी हर समस्या का समाधान गुरु, गुरु के बिना समाधान, अरे गुरु के बिना समाधान क्या नहीं, तेरा आत्म गुरु अंदर में बैठा है तो सर्व समाधान कारक है। उपयोग को एकाग्र कर, शांत चित्त करके जब बैठने का प्रयास करेगा तो अंदर का गुरु तुझे अपने आप समाधान दे देगा, अपने आप समाधान से देगा। उस गुरु की बात करें, बहुत सुंदर श्लोक है ना, आत्मा एव आत्मन है गुरु अस्ति, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, आत्मा ही आत्मा का गुरु होता है और कोई गुरु नहीं। भावार्थ देखिए जो है गुरु, कितनी तरह की बातें कही है इसमें। मोक्ष सुख का अभिलाषी आत्मा स्वयं आत्मा का गुरु है। देखो ये तो काफी आगे बढ़ करके बात कर रहे हैं, कौन से आत्मा को किसका गुरु कहा है, जो मोक्ष सुख का अभिलाषी है उसके लिए अपना आत्मा ही गुरु है। और मैंने तो पापी हो व्यसनी हो तक की बात कर ली आपसे, पापी हो, सप्त व्यसनी हो, खोटी संगति में हो, शराब पीता हो, सप्त व्यसना देख के अंदर पारंगत होता हो, है? अंदर से बोलती है ध्वनि, अंदर से निकलती है आवाज, अंदर से पुकार आती है, स्वयं समाधान मिलता है, करूं कि नहीं करूं। अब ऐसे समय में जो व्यक्ति उस आत्म गुरु के निर्देशन में अर्थात आत्म गुरु की आवाज सुन लेता है, समझ लीजिए वो समझदार हो गया, वो बच गया पाप से। और जिसने उस गुरु की आवाज को नहीं सुना, नेग्लेक्ट कर दिया उसको, वो गुरु के ऊपर पाप रूप परिणाम जब आपके हावी हो गए और आपने गुरु की बात नहीं सुनी, आत्म गुरु की आवाज, समझ लीजिए आप पाप कर दिया। अब रहे आप पाप में, उलझ गए आप। भावार्थ, मोक्ष सुख का अभिलाषी आत्मा स्वयं आत्मा का गुरु है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं ही अपना कल्याण चाहता है, स्वयं ही अपना कल्याण चाहता है। दूसरा पॉइंट, वह स्वयं अपने को मोक्ष के उपाय का बोध कराता है। कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं स्वयं अपने आप का बोध करा रहा हूं, स्वयं अपने आप का ज्ञान करा रहा हूं। और तीसरा पॉइंट, स्वयं अपने को मोक्ष सुख के उपाय में जोड़ता है। बताओ मुझे, कोई दूसरा आपको मोक्ष मार्ग में नहीं लगा सकता? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग सब इस मार्ग में लग गए जो बड़ा मुश्किल से, तो कहाँ रहते हुए प्रदेश अमेरिका जैसे देशों में रहते हुए हैं, और आप ये जनवाणी की चर्चा सुन रहे हैं, तत्वज्ञान आपको पसंद आ रहा है, बीच रहा की देव तो आपको पसंद आ रहे हैं, ये आपको शरणभूत दिखाई दे रहे हैं। क्यों क्यों शरणभूत लग रहे हैं, क्यों लिए आपने इसकी शरण? कैसा आप किसी ने बताया होगा, किसी गुरु ने कहा होगा, जो कुछ भी हो, समझाने वाले हो, सिखाने वाले हो, बताने वाले हो, उपदेश देने वाले हो, वीडियो हो, कैसेट्स हो, शास्त्र हो, कोई भी हो, जब तक आप उन सब बातों को सुनने के लिए अंदर का मन और अंदर की रुचि, अंदर की आवाज से जागृत नहीं होंगे, तब तक आपको कोई भी जागृत नहीं कर सकता।
मैं कहता हूँ आपको, चलो कोई एक ऐसे लड़के को मैं जानता हूँ जो लड़का बहुत पापी है, दुराचारी है, उस व्यक्ति को आपके पास में लाया। मैं आपसे कहता हूँ आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बतलाओ, कोई ऐसा गुरु बतलाओ जो व्यक्ति इसको सप्त यत्नों से छुड़वा दे, देखो पाप से बचा ले। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बतलाओ जिस व्यक्ति की शरण में मैं इसको भेज दूं और उसके बाद में व्यक्ति छूट जाए, बच जाए, दुराचारी से सदाचारी बन जाए, किसकी शरण में जाने से होगा बोलो? भेज दूं किसी त्यागी व्यक्ति की शरण में, किसी मुनिराजों की शरण में भेज दो इसको, तो थोड़े दिन के लिए व्रतियों के आश्रम में भेज दो, त्यागियों के आश्रम में भेज दो, तो थोड़े दिन के लिए त्यागियों के आश्रम में रहेगा तो समझ लीजिए आप फिर हो गया इसका कल्याण, फिर सुधर जाएगा अपने आप। कई बच्चे होते हैं बहुत बदमाश, बहुत बदमाश बच्चे होते हैं, सुनते नहीं किसी की, किसी की बात की नहीं माने, किसी से नहीं समझे, किसी से नहीं सुधरे, खूब समझा दिया, खूब सिखा दिया, अपने ही लगाते हैं चलाते हैं, नहीं सुनते किसी की भी। अब बोलो कौन से गुरु के पास में भेजे उनको, बोलो? नहीं होता है भाई साहब, कोई गुरु नहीं समझा सकता है, कोई गुरु नहीं सिखा सकता है। गुरु सिखा सकते होते ना, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ आपको, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में से लड़कों को निकाला नहीं जाता, क्रेस्टिकेट नहीं किया जाता, निकाल देते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ क्यों? हमारा बच्चा बिगड़ा हुआ था तब तो हमने उसको गुरु के पास में भेजा था, कॉलेज भेजा था, अध्यापक के पास में भेजा था, निकाला क्यों उन्होंने? वो कहते हैं कि नहीं साहब आपका बच्चा बिगड़ा हुआ है, हम नहीं सिखा सकते इसको। फर्स्ट डे गलती करता है तब नहीं होता ऐसा, पहले दिन गलती करता है तो अध्यापक उसको समझाते हैं प्यार से, फिर नहीं मानता, फिर गलती करता है, फिर प्यार से समझाते हैं, फिर नहीं मानता, फिर और प्यार से समझाते हैं, फिर नहीं मानता तो थोड़ा डांटते हैं, फटकारते हैं, और फिर भी नहीं मानता है तो उसके घर पे नोट डाल करके भेजते हैं, डायरी में नोट भेज देते हैं, फिर जब नोटिस भेज दिए फिर नहीं मानता तो उसके पेरेंट्स को लेटर भेजते हैं, फोन करते हैं, बुलाते हैं, पेरेंट्स के साथ में मीटिंग करते हैं, और फिर अंत में जब हद ही पार हो जाती है तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिख करके देते हैं कि हम इसको कॉलेज में रहने की परमिशन नहीं दे सकते, हम इसको हमारे स्कूल में नहीं रख सकते, हम इसको स्कूल से निकालते हैं। अब बोलो निकाल दिया ना स्कूल से। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं जिन गुरु के पास में आपने इसलिए भेजा था, जो गुरु सारे बच्चों को सुधारने वाले, गुरु क्या होते हैं, सही रास्ता दिखाने वाले, समझाने वाले, और वो गुरु कह रहे हैं कि हम नहीं समझा सकते इसको, ले जाओ। तो माता पिता कहते हैं मास्टर जी हम क्या करें, हमारे से नहीं समझता था, नहीं सुधरता था, आप ही समझा सकते हो। वो कहते हैं हम नहीं समझा सकते, वो कहते हैं हम नहीं समझा सकते। अब बताओ ऐसे छोरों को कौन समझाए, ऐसे लड़कों को कौन समझाएगा, अब कौन से गुरु की शरण में भेजें? कुछ नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कैसे सुधरेगा? हमने कई ऐसे लोगों को देखा है, अंजन चोर की बात कर लो और किसकी बात करें अपन, कई अपराधियों को देखा है, कई डाकुओं को देखा है समर्पण करते हुए, क्या अपराधी थे, समर्पण कर दिया, त्याग दिया उन्होंने, छोड़ दिया सब, क्यों छोड़ दिया था, क्यों समर्पण कर दिया उन्होंने? अंदर की आवाज, किसका उपदेश सुनकर? अंदर की आवाज सुनकर, आत्मा की आवाज सुनकर। आत्मा गुरु ने जब समझाया, हृदय से आत्मा जब जुड़ गई अंदर से, किसी घटना को देखकर, किसी परिस्थिति को देखकर, जब घटना और परिस्थिति के कारण अंदर से आत्मा की आवाज आई तो फिर समझ लीजिए हो गया काम। ये गुरु है, ये गजब गुरु है ना, ये कैसे गुरु होते हैं बोलो? हमने कभी ऐसे गुरु के बारे में सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार का भी गुरु हो सकता है।
सुनी तो थी हमने अंदर की आवाज की बात अनेक बार, लेकिन हमें नहीं पता था कि पूज्यपाद स्वामी इस प्रकार की बात भी कह सकते हैं। ये तो अपने निकाली है इसमें से इस तरह की बात, आत्मा एव आत्मने गुरु अस्ति, आत्मा एव आत्मने गुरु अस्ति, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, हमने निकाली है ये बात। निकल दिख रही है साफ साफ, लिखिए पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है, निकल करके सामने आती है, समझ में आती है हमारे भैया बात तो सच्ची है। कौन कौन समझाएगा, कभी कभी कह भी देते हैं अपन, जब बच्चे को बहुत समझाते हैं ना वो नहीं मानता है, तो फिर हम अपने मन को समझा लेते हैं, फिर कहते हैं छोड़ो रे यार, जो समझना होगा तो समझेगा अपने आप, रहने दो छोड़ दो, उनको समझना होगा तो समझ लेगा। जैसे छोटा बच्चा खाना नहीं खा रहा हो, मान नहीं रहा हो, तो क्या कहते हैं बोलो, 2 साल का बालक है, 3 साल का बालक है, खूब मम्मी पीछे पीछे भागती है उसके खाना लेकर के, वो खाना नहीं खाता। आपके वहां अमेरिका में क्या होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे इंडिया में घर घर की स्थिति है ऐसी, पीछे पीछे भागते हैं भोजन लेकर के और खाता नहीं है वो, और फिर अंत में थका करके कहते हैं ठीक है रहने दे मर भूखे, जब जचे सब अपने आप खा लेगा तो अपने आप आएगा रोता रोता, खाना खाना भूख लग रही है, तो फिर कौन आएगा, अपने आप अंदर से आएगी बात, अपने आप ही आएगी। ऐसे ही यहाँ अपराध के संदर्भ में कह रहे हैं, कौन समझाए उनको, कोई खूंखार डाकू हो कौन समझाए उसको, कौन जाए उसके पास में, किसकी हिम्मत है, जाते ही सामने से गोली मार करके ढेर कर देता है, कौन समझाएगा। जब समझेगा अंदर से समझेगा, अपने आप समझेगा, हैं? देखो आप और कुछ है जब बात कहना चाह रहे हैं आप, समाधि तंत्र का श्लोक प्रस्तुत कर दिया 75 नंबर का, मोक्ष सुख की बात मैं पहले कर ही चुका हूं आपसे, कि जैसी इच्छा किसी कार्य को करने की आपके मन में उत्पन्न हुई है, वैसी इच्छा दूसरे व्यक्ति के मन में उत्पन्न नहीं हो सकती। किसी कार्य को करने की जैसी तीव्र इच्छा आपके मन में है, आप वो काम जब दूसरे से करवाएंगे तो वो व्यक्ति उतना उत्साह से नहीं कर सकता। बोलो, आपके तो शायद ये इसकी लिंकन की घटना है ना, ऐसी अब्राहम लिंकन की, किसी रास्ते में फंसे हुए, गंदगी में फंसे हुए सुअर को निकाला इसने गाड़ी रोक करके, सेमिनार मीटिंग में जाते समय। बोलो, पोस्ट पर रहते हुए बाद में ड्राइवर ने कहा कि नहीं, पीड़ा तो मेरे मन में हो रही थी ना, जो करुणा, जो दया, जो भावना, जो उत्कंठा मेरे मन में जागृत हुई है, उसका समाधान दूसरे से नहीं हो सकता। मेरे मन में किसी व्यक्ति की सेवा करने के भाव जागृत हुए, क्या अब मैं ये सोचता हूँ ये जो मेरे भाव जागृत हुए ना, मैं जिस तरह से इनकी सेवा करना चाहता हूँ, अब ये मैं किसी को कह दूं कि भैया मेरी जगह तू कर ले, नहीं हो सकता। आपकी भावना आपकी रहेगी स्वयं की, ये बात लगाओ मोक्ष के ऊपर, आप मोक्ष हुए, आप मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं, आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, आपके मन में मुक्ति प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छा है, उत्कृष्ट भावना है, बतलाइए आप। हाँ साहब बिल्कुल, हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, हम मोक्ष जाना चाहते हैं, कौन ले जाएगा हमारे को मोक्ष, कौन जोड़ेगा मेरे को आत्मा से, कौन जोड़ेगा मोक्ष सुख से, कौन लगाएगा मेरे को उस दिशा में, स्वयं बस। श्री समाधि तंत्र श्लोक 75 में कहा है कि क्या कहा है, नयत्यान मान मात्मैव जन्म निर्वाणमेव गुरुरात्मा गुरुरात्मात्मनस तस्मात् नान्योस्ति परमार्थतः नान्योस्ति
नहीं, स्मार्ट तस्मात तस्मात नान्योस्ति परमार्थतः, अर्थात आत्मा ही आत्मा को जन्म मरण रूप संसार में परिभ्रमण कराता है। अपराधी भी खुद ही है। देखो जिस दोनों बातें निकल करके सामने आती है, जिस तरह से कोई गुरु इसे रास्ता दिखाने में समर्थ नहीं है, जिस तरह से कोई गुरु इसको सज्जन बनाने में समर्थ नहीं है, ठीक उसी तरह है, कोई भी इसको दुर्जन बनाने में समर्थ भी नहीं है, कोई इसको दुखी करने में भी समर्थ नहीं है, कोई इसको फंसाने में भी समर्थ नहीं है। तो फिर क्या कैसे फंसता है ये जीव संसार में, क्यों फंस रहा है, क्यों दुख उठा रहा है, क्यों परिभ्रमण कर रहा है? तो कहा स्वयं ही स्वयं को जन्म मरण में परिभ्रमण कराता है। आत्मा ही आत्मा को जन्म मरण रूप संसार में परिभ्रमण कराता है। आत्मा ही परिभ्रमण कराने वाला है और आत्मा को ही परिभ्रमण कराने वाला है। किसी दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग नहीं कर सकते हम, दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते हम। क्या फिर इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने किया होगा, इसकी वजह से हो गया, रंच मात्र भी नहीं। तू स्वयं अपने जन्म मरण का दोषी, तू स्वयं अपने जन्म मरण के लिए जिम्मेदार है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। आत्मा ही आत्मा को जन्म मरण रूप संसार में परिभ्रमण कराता है और आत्मा ही आत्मा को निर्वाण के प्रति ले जाता है। मुझे संसार में रुलाने वाला भी मैं, मुझे संसार से मुक्त कराने वाला भी मैं। फंसा क्यों था कि मैं स्वयं मुक्त कैसे होऊंगा कि मैं स्वयं, किसी और ने फंसाया था कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई और मुक्त करेगा कि बिल्कुल नहीं। देखो दोनों तरफ ही स्वाधीनता लगेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ स्वाधीनता हो और एक तरफ परतंत्रता हो। लगा के देख लो आप, एक तरफ परतंत्रता लगा करके देख लो, बात ही नहीं जमेगी आपको। कोई दूसरे व्यक्ति ने मुझे पराधीन कर दिया, कोई दूसरा व्यक्ति मुझे परतंत्र कर सकता है और मैं मुक्त होना चाहूं तो क्या होगा? पराधीन तो दूसरे ने किया है ना, तुम कैसे हो जाओगे? आप दूसरी तरफ से लगाओ बात, यथार्थ बात क्या होगी? मैं अपनी भूल से, अपनी गलती से परतंत्र हुआ हूं और मैं अपनी भूल सुधार करके सुखी हो सकता हूं। अरे वाह यार, मजा आ गया है। तो ये मेरी गलती से ये काम हुआ है, मैंने अपनी गलती को सुधार लिया, अब काम हो गया अपना। तो इससे ज्यादा अच्छी और क्या बात हो सकती है? मुझे नहीं लगता है कि इससे श्रेष्ठ और भी कोई बात हो सकती है। आत्मा ही आत्मा को जन्म मरण रूप संसार में परिभ्रमण कराता है और आत्मा ही आत्मा को निर्वाण के प्रति ले जाता है। कौन ले जाएगा? चलो साथ साथ में चलते हैं, चलो सैर करेंगे अपने मोक्ष महल की, चलो सैर करेंगे, चले साथ में सैर करने के लिए, मोक्ष महल की सैर करने के लिए। अरे भैया क्या बात कर रहे हो, अकेले ही जाना पड़ेगा क्या? न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, अकेले ही जाना है। मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सभी आते, तंधन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हुए, जन्मे मरे सुख दुख भोगे नरक जावे एकला। योग सार योगेंद्र देव की गाथा बतलाता हूँ आपको, मैंने बात लिखी है सेम यही बात हूँ जो बात मैं आपको बतला रहा हूँ। जन्मे मरे सुख दुख भोगे, कितनी बातें, बहुत सरल हिंदी है, छंद ऐसे हैं, गाथाएं ऐसी है जो तुरंत समझ में आ जावे। जन्मे मरे सुख दुख भोगे, क्या क्या कह दिया,
जन्मे मरे सुख दुख भोगे नरक जावे एकला। समझ में आ गई बात? जन्मेगा भी अकेला, मरेगा भी अकेला, सुख दुख भोगेगा वो भी अकेला ही, यहाँ तक कि नरक में भी जाएगा तो अकेले ही जाएगा। जन्मे मरे सुख दुख भोगे नरक जावे एकला, अरे मुक्ति महल में भी जाएगा जी एकला। नरक में जाए तो अकेला, त्रियंश में जाए तो अकेला, चतुर्गति में परिभ्रमण करे तो अकेला, संसार में घूमे तो अकेला, और संसार से पार हो भी मुक्ति में जाए तो अकेला। बोलो ये कैसा एकत्वपना है, ये कैसा अकेलापना है इसका? अब किसकी जरूरत है? निर्वाण के प्रति भी स्वयं ही ले जाता है। संसार में परिभ्रमण भी स्वयं ने कराया अपनी भूल से, है ना? अपने आप को भूलकर, भूल आपको भरमतवादी, चौड़ावा करके पंक्तियां, अपने आप को भूलकर, और निर्वाण के प्रति भी स्वयं ही ले जाता है। इसलिए निश्चय से, निष्कर्ष वाक्य, निश्चय से वास्तव में सच्चाई यही है कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। यह सच्चाई है, अन्य कोई गुरु नहीं है। समझ में आ गई बात? कितना सुंदर श्लोक कह दिया। अब इनकी एक और नई शंका, देखिए शंका उत्पन्न होती है और उसके समाधान में श्लोक की रचना कर देते हैं आचार्य देव। बिल्कुल यही पद्धति चल रही है। अब आगे वाला जो 35वां श्लोक, जो बहुत मार्मिक श्लोक है और बहुत मार्मिक चर्चा जिसमें आने वाली है, माने इसमें क्या बात कहते हैं, शिष्य ने प्रश्न उठाया इस प्रकार का कि साहब ऐसा कैसे कह रहे हो, योग्य गुरु तो चाहिए ही, गुरु के बिना ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, गुरु की सेवा से ही तो कम से कम अपने को किसी योग्य अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए आप ऐसा मत करो, हमें कोई ना कोई गुरु। तो फिर अंत में जाकर के उनको 35 नंबर के श्लोक में कह दिया, अरे भैया गुरु किसी अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। ऐसी बहुत मार्मिक बातें आगामी श्लोक में कही है, अपन उसकी चर्चा अगले सेशन में करेंगे, अभी की बात को नहीं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रूप, सदा देत हूँ रूप। नो बारो करो जय जिनेन्द्र।